बोला रखा। अमा बादशाह खत्म हो गया। क्या हुआ? अमा दौलत राम की बेटी की शादी खाना आबादी खाना बर्बादी हो गई। बाबा कसम अल्लाह की तुमने जो उसे वो लोट दिए थे वो सारे के सारे जाली निकले। बराती उसके मुंह पर थूक के चले गए। पुलिस हथकड़ियां पहना के ले गई है। अमा उसके लिए कुछ करो वरना बेमौत मारा जाएगा। मुझे जाली नोट देने वाले तुम्हारे उस मालिक का क्या नाम है? वो तो जाली नोटों का मेरी जिंदगी से बहुत गहरा संबंध है। बताओ मेमोरी सेठ, मेरी बात का जवाब ना देने वाले की जबान कट जाती है। उसका नाम केशव है। और पता? पता ग्रांड होटल रूम नंबर 9। नहीं दिए मुझे किसी ने मालिक, मुझे किसी ने नहीं दिए। मैंने जिंदगी भर अपनी बेटी के ब्याह के लिए पाई पाई जोड़ के जमा किए मालिक, पाई पाई जोड़ के। पाई पाई जोड़ने पर भी इतने सारे नोट एक जैसे नहीं होते कुत्ते। तुम जाली नोटों के उसी गैंग से ताल्लुक रखते हो जिसे खत्म करने की मैंने कसम खाई है। बोल कौन है वो? निकाल लूंगा। मैंने सच बताया मालिक, मैं किसी को नहीं जानता। माई बाप, मैं किसी को नहीं जानता। करण सिंह। यस सर। इस रामजादे को मार मार कर जान निकाल लो। करी। यस सर। तुझे रख दो और कल सुबह बैंक भेजा देना टेस्ट के लिए। ओके सर। नंबरी सेठ, होश की बात करो। क्या कहते हो? पुलिस की तिजोरी में से नकली नोट निकाल कर असली नोट रख दूं? हाँ, असली और नकली नोटों का मेरी जिंदगी से बहुत गहरा संबंध है। और फिर दौलत राम भी तो निर्दोष है। वो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो? एक दिन तुमने कहा था जिंदगी में तुम्हें जो कुछ कहूंगा वो करोगे। कहा होगा? कहा था। दोस्ती और दुश्मनी में से तुमने दोस्ती को चुना था। चुना होगा? अरे भाई चुना था, दोस्ती को चुना था, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ दुश्मनी करो। अगर मैं पकड़ा गया तो बगैर रस्सी के फांसी लग जाऊंगा। हवलदार, खबरदार, सोच लो तुम भी मेरे ही तालाब की मछली हो। अरे भाई नंबरी से बात सुनो, तेवर क्यों बदलते हो? नोट ही बदलने हैं ना। इस हाथ से रख दूंगा, इस हाथ से निकाल लूंगा। लाओ असली नोट। सब देखा है तो ये भी देख लो। 5 बेटियां और 1 बेटे के बाप सखा राम, ये सब भूल जाओ, वरना सारी उम्र अपनी बेटियों के साथ उस 1 बेटे को रोते रहोगे, समझे? इंस्पेक्टर कुलकर्णी सर, रिजर्व बैंक से रिपोर्ट आई है कि दौलत राम से हासिल किए हुए नोट असली हैं। ये कैसे हो सकता है सर? जो बात मुझे तुमसे पूछनी चाहिए थी वो तुम मुझसे पूछ रहे हो? क्या तुम्हारे पुलिस स्टेशन की तिजोरी में से नोट बदल गए? ये नामुमकिन है सर। तो इसका मतलब यही है कि तुमने बहुत गैर जिम्मेदारी से काम किया। दौलत राम के खिलाफ एक्शन लेने से पहले तुम्हें रिजर्व बैंक से नोट चेक करवा लेने चाहिए थे। लेकिन सर वो तुम जानते हो कि भले ही मेरे हाथ से 10 मुजरिम बच के निकल जाए, लेकिन पब्लिक के किसी बेगुनाह आदमी को मेरे होते हुए तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये मेरा उसूल है। Yes, sir. तुम जैसे गधे अफसरों की वजह से पुलिस का महकमा बदनाम है। दौलत राम को फौरन रिहा करो। नंबर 10, दौलत राम को रिहा करो। Yes, sir. मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है कि मैंने आपको बताया नहीं। क्या हो गया? हवलदार करण सिंह को मैंने अपनी आंखों से देखा नोट बदलते हुए। इडियट! कहां है करण सिंह? बुलाओ उसे। साहब, करण सिंह तो छुट्टी की अर्जी देकर गए हैं और एक खत भी है आपके नाम। करण सिंह का नमस्कार। ये बात अच्छी तरह जान लीजिए कि मुझ तक आपके फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते। आपकी भलाई इसी में है कि इस मामले को दबा रहने दो। मैं तो मफरूर हूं, लेकिन आपको जेल हो जाएगी, क्योंकि जिस थाने की तिजोरी से नोट बदले गए हैं उसके इंचार्ज आप हैं। आपका शुभचिंतक खबरदार करण सिंह। शुभचिंतक जय अंबा देवी।
क्यों करड़ी माल, पहचाना मुझे? अरे संकटा राजा, तुम्हें कौन नहीं पहचानता? बहुत दिनों के बाद आए, कहाँ थे इतने सालों? अरे करोड़ी मल समझता नहीं यार, पेट के लिए आंकड़े फिट करता फिर रहा था। तो फिर जलपान कर लो। जलपान? अच्छी गट पिला। ये लो राजा सिगरेट। अच्छा करोड़ी मल, तू अपना धंधा संभाल, मैं अपना आंकड़ा खोजता हूँ। सुंदरी, कहीं ये सुंदरी की बेटी तो नहीं है जिसे मैं फर्नांडिस के पास छुड़ाया था? फर्नांडिस, तुमने उसकी माँ का खून किया था? खबरदार जो मुझे खूनी बोला, पेट के लिए आंकड़े फिट करता हूँ। और अब तूने मेरा कहना नहीं माना तो 41वां आंकड़ा तेरा भी फिट कर दूंगा। सुन, लाखों रुपए का माल है वो छोकरी, दो ग्राहकों में बोली बुलवाऊंगा उसकी, एक उसका बाप जो उसकी जिंदगी के लिए बोली बोलेगा, दूसरा वो जिसने उसकी माँ का आंकड़ा फिट करवाया था मुझसे। तूने उसको पाला है, माल में 2% तेरे। तूने धोजी पर नजर भी डाली तो याद रखना, मैं पुलिस में जाऊंगा और तुमको फांसी पर लटकवाऊंगा। खामोश, तेरा भी आंकड़ा मुझे फिट करना ही पड़ेगा। मुर्दे को मौत से क्या डरा था? अरे लेकिन याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूं तू रोजी की परछाई को पकड़ नहीं कर सकता। दादा जल्दी चलो, एक बदमाश रोजी और फर्नांडिस अंकल को मार रहा है। रोजी, फर्नांडिस, 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 रोजी को बचाओ, फर्नांडिस, 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 फर्नांडिस। मेरी बेटी के जिंदा होने का सबूत क्या है तुम्हारे पास? उसकी शक्ल आपके हर शक का जवाब दे देगी सेठ जी, हूबहू माँ के जैसी है। इसे अपने साथ क्यों नहीं लाए? 2 लाख का सौदा किए बगैर आपके पास लाना बेवकूफी होती सेठ जी। देखो देखो, मुझे सब कुछ मंजूर है, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा, मुझे इसके पास ले चलो। ना ना, आप मत चलिए, मैं खुद उसे आपके पास ले आता हूं। इस हाथ रकम लूंगा, उस हाथ बेटी दूंगा, मंजूर? हाँ मंजूर, जल्दी करो। अभी लाता हूं। तेरी बच्चे भी जिंदा है। दामू, बंदा हाजिर है, क्या पेश करूं सेठ करमचंद? जयचंद, जयचंद, मेरी बेटी जिंदा है। बेटी जिंदा है, कहाँ है? संकटा ला रहा है उसे। संकटा है फंटी, इस संकटा ने तेरी मरी हुई किस्मत को जिंदा कर दिया। बाप तो बेटी से मिलने के लिए 2 लाख देगा, लेकिन बेटी बाप से मिलने के लिए क्या देगी? भगवान कसम, जेल की चक्की पीस पीस के थक गया हूँ, अब तो आराम कर लूँ। अब बेहोश? अब कैसे बच के जाएगी? यहाँ कौन आएगा? तेरा बाप खुद बोलिया यार, बचाला नहीं से
देखो मुझे छोड़ दो, रोजी का बाप करमचंद रोजी के लिए 2 लाख रुपए देने वाला है, उसमें से तुम लोग सब लोग हिस्सा बांट लेना। तुम रोजी के बारे में कैसे जानते हो? मैंने उसकी माँ का आंकड़ा फिट किया था। क्यों कत्ल किया था? पेट के लिए। मैं पूछता हूँ क्यों? वो जान गए थे कि पुलिस सेन इंस्पेक्टर शिवनाथ बेगुनाह है। शिवनाथ? हाँ शिवनाथ। वो ये भी जान गए थे कि जाली नोट बनाने वाले कौन है। तुम शिवनाथ के बारे में और क्या जानते हो? हाँ वो कलकत्ता जेल में पड़ा हुआ सड़ रहा है। शिवनाथ को फंसाने वाले और जाली नोट बनाने वाले असली मुजरिम कौन है? मैं नहीं जानता। तुम अच्छी तरह जानते हो। बोलो। ये तो मर गया। मरने से पहले ये बहुत बड़ा काम कर गया हवलदार। हाँ? तो तुमने मुझे पहचान लिया? हवलदार तुम रोजी को उसके बाप सेठ करमचंद के घर छोड़ाना। मेरा बाप करमचंद? ये लंबी कहानी तुम्हें हवलदार सुना देगा। लेकिन मुझे पुलिस ने पहचान लिया तो? तुम रोजी को उसके बाप के घर छोड़कर अल्लाह रखा के यहाँ जाके छुप जाना। वो तुम्हारा चाय वाला? हाँ वहाँ कोई खतरा नहीं। और तुम? मैं, मेरे पास वक्त नहीं रोजी, मुझे कलकत्ता जेल जाना है।